जालंधर कैंट में श्री रामलीला कमेटी के प्रधान पद का चुनाव 26 जून को होने वाला है, जिसके लिए दो उम्मीदवार अमित गोयल बंटी और कनिष्क अग्रवाल कन्नू आमने सामने हैं। इसी के तहत उम्मीदवार अमित गोयल बंटी द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने श्री रामलीला कमेटी के सभी सदस्यों को सही उम्मीदवार को वोट डालने की अपील की और कहा कि यदि वे प्रधान बनते हैं तो सभी कार्य पारदर्शिता से किए जाएंगे। जो चंदा लोगों से एकत्रित किया जाएगा उसके एक एक रुपए का हिसाब सभी के सामने रखा जाएगा। पिछली कई कमेटियों ने अपना हिसाब किताब लोगों के सम्मुख नहीं रखा है। भारी राशि का दुरुपयोग पिछली कई कमेटियों द्वारा किया गया है। इस मौके पर पार्षद राजेंद्र सोनकर, ब्रह्म नाट्य मंडल के प्रधान अनिल बख्शी, रामबाग संघर्ष कमेटी के राजीव भारद्वाज, भारत भूषण सेखड़ी अजय गोयल, नवल किशोर भारद्वाज, गुरशरण सिंह टक्कर, अमित गोयल डिंपल, सुमित गोयल, दिनेश शर्मा, निश्चल निखिल और नागपाल उपस्थित रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। ये चीजें क्या शो करती हैं? इस लिस्ट पे इलेक्शन इसलिए कराया जा रहा है, इस लिस्ट में फर्जी भरा जा रहा है। परंतु मैं हमने इससे डरते नहीं, हम ये चाहते हैं कि आप लोगों का साथ मिले ताकि हम इस एक नौजवान को अपना प्रधान बनाए और ये सारी बातें ठीक करके पब्लिक के सामने रखें। हम चाहेंगे एक जनरल हाउस जिसमें मेंबर भी और आम जनता को भी बुलाएंगे, वो आर्मी बैठ कर इसके एक कमेटी बनाए, 10 आदमियों की छोड़ने के मौजूद और बुजुर्गों की, जो मेंबर पक्के रहेंगे वो ट्रस्टी के तौर पर काम करेंगे और कोई भी रामलीला कमेटी का प्रधान बने वो खर्चा के ऊपर वो निगरानी करेंगे, जो रसीट बुक है वो उनके पास होगी, वो रसीट बुक उनको दें और वो चंदा काट के अपना जमा कराएं। मैं अमित गोयल बंटी रामलीला कमेटी के प्रधान पद के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे सभी रामलीला कमेटी के सदस्यों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि मुझे पूरा सहयोग करें और मुझे विजयी बनाएं। मैं जब प्रधान बन जाऊंगा तो मैं सारे पैसे दान राशि का सदुपयोग करूंगा, पारदर्शिता लाऊंगा, कोई भी विविध खर्चा नहीं डालूंगा, राशि बचा के समाज के अच्छे कार्यों में लगाऊंगा और दशहरा ख़त्म होने से के एक महीने के अंदर सारा हिसाब किताब पहल के आधार पर देने का प्रयत्न करूँगा।